हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे न्याय के प्रतीक कर्म के कारक दंडाधिकारी शनि। 30 साल बाद अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में करेंगे गोचर, तो कुंभ में शनि सस योग का निर्माण करेंगे। चार लग्नों के लिए, चार राशियों के लिए शनि बल्ले बल्ले कर देंगे। मैक्सिमम राशियां शनि से इफेक्ट होती हैं, तो आपकी कुंडली में कहीं भी केंद्र में शनि है आपके लिए शुभ योग है। आपकी कुंडली में शनि एकादश में है, नवम भाव में है, आपके लिए शुभ है। शनि आपकी कुंडली में पंचम भाव में है तो शुभ है। तो मतलब सात लग्न या सात राशियों के लिए शनि अत्यंत श्रेष्ठ कारक, योग कारक और अत्यंत शुभ है। आठ को ले लीजिए, द्वितीय भाव में भी जाएंगे तो मकर के लिए शुभ हो जाएंगे। तो अत्यंत योग कारक है आठ राशियों के लिए, 12 में से आठ राशियों के लिए योग कारक है। तो ये शनि जमीन से आसमां तक का सफर तय कराते हैं, आपको मूलभूत सारी सुविधा देते हैं। सस योग, पंच महापुरुष योग में से एक योग बनता है सस योग। तो ये सस योग आपके कुंडली में क्रिएट होगा क्या, आपको शनि कहाँ कब कैसे कितना फल देने वाले हैं, आज इसी की चर्चा करेंगे। मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक, मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसलिए सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं। ज्योतिष नक्षत्रों पर आधारित है और हमारा चैनल का नाम है ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी। नक्षत्र ज्योतिष के आधार स्तंभ हैं। ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन ज्योतिष का नेत्र कौन है? नक्षत्र ही ज्योतिष के नेत्र हैं। और जो सिर्फ राशि की बात करते हैं वो आंखें तो हैं लेकिन ज्योति नहीं है। वह आपको कहाँ ले जाएंगे उनको खुद पता है। तो आप हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करिए कि हम ज्योतिष के मूलभूत तत्वों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये आपका अपना चैनल है तो सपोर्ट करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। शनि न्याय का प्रतीक है। शनि बोलता है कृतज्ञ मत बनिए, कृतज्ञ बनिए। तो कृतज्ञता यही कहती है राधे राधे। तो मेष लग्न मेष राशि, देखिए मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति है ये बेहतर परिणाम देकर जाती हुई दिखाई दे रही है। कारण आपका 2023 निश्चित रूप से बेहतर जाएगा। उसके दो प्रमुख कारण हैं, एक तो आपके शनि महाराज, दूसरे आपके गुरु महाराज। तो शनि महाराज आपके कर्म के स्वामी हैं और लाभ के स्वामी हैं, और लाभेश लाभ के घर में जा रहा है, इससे श्रेष्ठ योग आपके लिए क्या हो सकता है? तो यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, प्रमोशन की तलाश में हैं, पोस्टिंग की तलाश में हैं, तब आपको प्रमोशन भी मिलेगा, पोस्टिंग भी मिलेगा, नई नौकरी भी आपको मिलेगी। तो मेष लग्न मेष राशि वाले कमर कस लीजिए। 2023 नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए आपका अपना वर्ष है। इस वर्ष आपको सफलता डेफिनेटली मिल जाएगी। कारण शनि महाराज 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपके लग्न के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और धनिष्ठा सर्वाधिक शक्तिशाली नक्षत्र है, अष्ट वसु की शक्ति लेके चलता है और उनमें एक भीष्म पितामह है। एक भीष्म पितामह ने संसार को पानी पिला दिया, अकेले भीष्म पितामह ने संसार को पानी पिला दिया, कोई उनको जीत नहीं पाया। तो अद्भुत शक्ति है इस नक्षत्र में। अब इस नक्षत्र की को आपको समझना होगा तो उनसे जुड़ के आप लाभ ले सकते हैं। ये जैसे आपके 17 जनवरी को प्रवेश करेंगे, 14 मार्च को सतविशा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सतविशा मतलब सत तारका नक्षत्र, 100 डॉक्टरों की एनर्जी, मतलब सफलता के बांध टूट जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप सफल होंगे। यहाँ पे मज़ेदार बात ये हो रही है आपके साथ कि आपके राहु इस समय केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे और गुरु महाराज भी आपके कुंडली में मेष राशि में अप्रैल में जा रहे हैं, वो भी अश्विनी में गोचर करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो आपके कुंडली में योग बन रहे हैं, बेहतरीन योग बन रहे हैं कि आप सफल हों। तो शनि का राशि परिवर्तन आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। बस अपने गुरु को ठीक करके रखिए, अपने बर्थ चार्ट को चेक करिए कि कोई खराब महादशा तो नहीं चल रही है।
कहीं बुध की दशा तो नहीं चल रही है, आपके लिए रुकावट पैदा कर दे। अपने शनि के मंत्रों का जाप करें, शनि को मजबूत करके रखें, ऐसा काम ना करें जिससे शनि अप्रसन्न हो जाए, तो शनि की प्रसन्नता आपको सफलता देने वाली होगी। वृषभ लग्न वृषभ राशि, वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों के लिए शनि का जो योग है वो भाग्योदय वाला है, तो भाग्योदय का वर्ष है 2023 आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी कर्म भाव में गोचर करेंगे और इनकी जो गोचरी स्थिति है वो आपके लिए भाग्य के कपाट खोल देने वाली है। ये सतविशा नक्षत्र में बेहतर फल दे रहे हैं, कुंभ में प्रवेश करेंगे, धनिष्ठा मतलब मंगल व्यापार के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो व्यापार आपका प्रगति होगा, सरकार से आपको सफलता मिल रही है। तो 2023 भाग्योदय का वर्ष है वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों के लिए। यदि आपको पता है लग्न आपके वृषभ ही है तो विदाउट हेजिटेशन एक नीलम और पन्ना पहन के रखिए, भाग्योदय आपका हो जाएगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आपकी जो गाड़ी है ना द्रुत गति से हाईवे पे आ गई है और 120 150 की स्पीड से भाग रही है, कोई जरूरत नहीं है पेट्रोल की, टकाटक निकल जाएगी। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए यह शनि का गोचर पहले से बेहतर होगा। अभी शनि आपके ढाई वर्ष से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टमेश का फल दे रहे हैं। अष्टम भाव पीड़ा का है, अष्टम भाव तकलीफ का है, अष्टम भाव साधना का है, लेकिन संसार की जगत से संसार की नजर से देखें तो अष्टम भाव पीड़ा देता है। अब ऐसे शनि गोचर करेंगे नवम भाव में, नवम मतलब धर्म का, नवम मतलब पूर्व जन्म की FD, पूर्व जन्म के शुभ कर्म, और खष्टम मतलब पूर्व जन्म के पाप। सीधा सीधा नवम का मतलब आप, आपका जो सोल है, आपके जो एनर्जी लेवल है, आपके जो ओरा है, वो नवम भाव है। धर्म का घर बोलते हैं, भाग्य का घर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे शनि की जो गोचरी स्थिति है निश्चित रूप से आपके भाग्य वर्धन करने वाली है, भाग्य को बढ़ाने वाली है, कोई डाउट नहीं है कि भाग्य आपका साथ ना दे। आपके कुंडली में जैसे ये गोचर करेंगे सतविशा नक्षत्र में लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। क्यों प्रशस्त होंगे? क्योंकि राहु इस समय एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, वो आपको यत्र तत्र सर्वत्र से जहां से भी मिले लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे राहु के नक्षत्र में होने से शनि भी राहु के नक्षत्र में जाएगा तो आपको बहुत द्रुत गति से लाभ देगा, हर तरह से लाभ देगा। इसके बाद बात करेंगे कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति है बहुत ज्यादा लाभ आपको देके नहीं जा रही है। देखिए सबके लिए सब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, सबके लिए सब कुछ तो नहीं मिल सकता। बारिश होती है तो बहुत से लोग आनंदित होते हैं, बहुत मयूर नृत्य करता है, लेकिन कुछ लोग परेशान हो जाते हैं जिनके घर कच्चे हैं, जो रोड पे खड़े हैं, जो आवास बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि शनि आयुष के घर में जा रहे हैं तो आयु वर्धक होंगे, आयु को बढ़ाने वाले होंगे। सप्तम से द्वितीय जा रहे हैं तो जीवन साथी को धनार्जन होगा, जीवन साथी को धन से तो लाभ होगा, लेकिन अष्टम भाव की पीड़ा तो आपको झेलनी पड़ेगी, अष्टम भाव का प्रभाव तो आपको लेना पड़ेगा। तो शनि का मंत्रों का जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए पहले से शनि की जो गोचरी स्थिति है बेहतर है। ठीक है, शनि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि शनि जहां बैठते हैं एक घर आगे एक घर पीछे को देख लेते हैं। शनि की तीन तीन दृष्टियां हैं, तीन दृष्टि रखते हैं शनि। अब तीन दृष्टि रखने से शनि क्या है, तीन भावों को प्रभावित करते हैं, तो 12 राशियों में 6 राशियों को एग्जैक्ट तुरंत प्रभावित कर देते हैं, 50% को कवर कर लेते हैं, इसलिए शनि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह हैं। ऐसे शनि महाराज का कुंभ राशि में प्रवेश, तो अगर यदि आप शादीशुदा नहीं है, आपके यहाँ पे शादी होने के योग बन रहे हैं, विवाह के परिणित में आप जाना चाहते हैं, विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, विवाह के झोले पे आप हिंडोले पे आप झूला झूलना चाहते हैं, तो ये शनि आपका विवाह करा देगा। आपकी उम्र है विवाह की, आपकी विवाह अभी तक नहीं हुआ है, तो यह शनि का गोचर आपके जीवन में मंगल गीत गाने के हैं। यहाँ पर आपको व्यापारिक सफलता मिलेगी, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस में फायदा मिलेगा। स्थानांतरण चाहते हैं आपको तो शनि स्थानांतरण भी दिलाएगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, शनि की सातवीं दृष्टि आपके लग्न पे है और तृतीय दृष्टि जो है शनि की आपके भाग्य के घर पे है,
तो आपको कर्म करते रहना पड़ेगा। शनि की दशम दृष्टि आपके सुख पे है, तो जहाँ पे शनि की दृष्टि होती है शनि वहां से डिस्कनेक्ट भी करने की कोशिश करते हैं। तो शनि आपके लिए 2.5 साल मार्केश होके भी चलेंगे, ठीक है ना। तो आपको जहाँ व्यापार में सफलता प्रदान करेंगे वहीं पे शनि मार्केश की स्थिति मतलब सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। लापरवाही बिल्कुल मत करिए, नहीं तो ये आपको लंबी बीमारियों की तरफ ढकेल देगा। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए शनि की गोचरी स्थिति है मिला जुला परिणाम देगी। देखिए आपके शनि पंचमेश हैं और जा रहे हैं खष्टम भाव में, तो पंचम का खष्टम में जाना कहाँ से अच्छा योग बनेगा। हाँ अब आपके लिए हवाई बात की जाए तो शनि बनाएंगे राजयोग, बिल्कुल राजयोग नहीं बनेगा आपके कुंडली में। अच्छा सिंह लगन में भी सस योग बनेगा, कौन सा योग बनेगा, सस योग बनेगा, लेकिन सस योग सिंह लगन में उतना फायदा नहीं देता जितना शास्त्रकार हमारे कहते हैं, उतना लाभ नहीं मिलता। अब आपके कुंडली में महादशा अंतरदशा चल रही है तो सस योग क्रिएट हो जाएगा। ये महादशा अंतरदशा के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर चल रही है तो क्रिएट भी हो जाएगा, लेकिन कन्या लगन में ऐसा कुछ भी क्रिएट होने वाला नहीं है। पंचम का अधिपति खष्टम में जा रहा है, एक ही लाभ होगा, अगर आप रोगी हैं तो रोग से मुक्त हो जाएंगे आप। आपको ऋण से भी शनि दूर करेगा, शत्रुओं को शनि दरकिनार कर देगा, किनारे लगा देगा, साइड कर देगा। तो गोचरी स्थिति प्रतिस्पर्धा में सफलता के लिए है, ऋण रोग से मुक्ति के लिए है, शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए है। ऐसे शनि की जो तृतीय दृष्टि है अष्टम भाव पर है तो आयु संबंधित आपको कष्ट हो सकता है, इसलिए योग प्राणायाम करिए। सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर है तो व्यय व्यवसाय मत करिए। और जो दशम दृष्टि है, ठीक है ना, अब आपके बंधु बांधवों पे है तो उनसे संबंध बेहतर करके रखिए। शनि के मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठ फल देने वाला है। संतान इस समय आपकी बिगड़ रही है, उधर आपका खराब हो रहा है, प्रेमी आपसे प्रेमिका आपसे दूर हो रही है। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए बेहतरीन योग बनेगा शनि का गोचर। सुख भाव का स्वामी अपने से द्वितीय, सुख भाव का स्वामी द्वितीय, घर वालों से प्रेम, घर वालों से धन, एजुकेशन में थ्रू आउट विकास, प्रेमी और प्रेमिका आपसे मिलेंगे, मतलब अभी तक आप उनके पीछे थे वो आपके पीछे घूमेंगे, ओरा बढ़िया बन रहा है, ओरा चक्र आपका अच्छा डेवलप कर रहा है। भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी से लाभ, निश्चित रूप से 2.5 वर्ष शनि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क यदि आप करते हैं, सेवा का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, तेल का काम करते हैं, पशुओं का काम करते हैं, जमीन का काम करते हैं या दलाली करते हैं, शनि 2.5 वर्ष आपको बहुत ज़्यादा लाभ देके जाएगा। तो बेहतरीन परिवर्तन शनि का आपके लिए साबित होने वाला है। अब ध्यान ये देना है कि शनि की जो तृतीय दृष्टि है वो व्यापार के घर पे नीच की पड़ेगी, तो व्यापार में शनि चाहता है साफ सुथरा काम करिए, कि आप ना तो चीटिंग करिए ना तो आपके साथ चीटिंग हो, ऐसा चाहता है। तो ऐसे लोगों को शनि डिस्कनेक्ट कर देगा, अगर आप चीटिंग करते हैं तो आपको भी डिस्कनेक्ट कर देगा। शनि न्यायाधीश है और आपकी जो राशि है वो ज्ञान की राशि, तुला, तुला मतलब सामंजस्य बनाए जाना, 100 ग्राम भी कहीं रख दोगे तो पलड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा। सप्तम दृष्टि शनि महाराज की अपने पिता के घर पे है तो पिता से लाभ, सरकार से लाभ। और ऐसे शनि महाराज की जो आपकी कुंडली में दशम दृष्टि है वो धन भाव पर होने से आपको धन संबंधी कुछ विघ्नों का सामना करना पड़ सकता है, मतलब पैसे उतने जमा नहीं कर पाओगे, पैसे व्यवसाय में ही लगाते रहना पड़ेगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए सस योग बनेगा। इस कुंडली में सस नामक जो पंच महापुरुष योग है, सस योग तो आपके लिए क्रिएट होगा, तो बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। शनि आपको 2.5 वर्ष में बहुत कुछ देके जाएंगे, वाहन का सुख, घर का सुख, सुख का सुख देके जाने वाले हैं। तो अपने शनि को स्ट्रांग करके रखिए। जब भाई बारिश हो रही है तो बाकेट को सीधा करके रखिए, बाकेट को उल्टा करके रखेंगे मज़ा नहीं आएगा। धनु लगन धनुराशि, धनु लगन धनुराशि वालों के लिए शनि की जो गोचरी स्थिति है मेहनत से सफलता देने वाली है। द्वितीय सपने से द्वितीय है तो मित्रों से लाभ, भाइयों से लाभ, आप भगवत भवम सिद्धांत को देखिए तो द्वितीय से द्वितीय लाभ। और शनि मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं तो मूल त्रिकोण होने का फल तो मिलेगा, तो पहले से बेहतर फल मिलेगा आपको, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, मार्केश का भय खत्म हो गया आपके ऊपर,
मार्केस का भय खत्म हो गया, आपके ऊपर से साढ़े साथी का भय खत्म हो गया, साढ़े साथी भी खत्म हो गई। अब पराक्रम के घर में है तो पराक्रम से लाभ देने वाले हैं, बंधु बांधवों का सपोर्ट करने वाले हैं, व्यापार से लाभ देने वाले हैं। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि वालों के लिए शनि सस नामक योग बनाते हुए ही दिखाई देंगे। देखिए ज्योतिष का एक सिद्धांत है, हम नियमावली से नहीं भाग सकते, नियमावली से नहीं भाग सकते। आपके पास मान लीजिए दो ऑफिस है, ठीक है ना, लेकिन आप वहाँ का ज़्यादा लाभ देंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको आप ज़्यादा संभालेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको आपने खड़ा किया है। द्वितीय लग्न का स्वामी, जब भी लग्नेश कोई हो जाए तो वो द्वितीय द्वादश खष्टम अष्टम इसका उसको दोष नहीं लगता, और द्वितीय द्वादशेश सदैव अपनी दूसरी राशि का फल देते हैं। तो यहाँ पे द्वितीय शनि मकर का ही फल देंगे, मतलब आपको मान सम्मान बना रहेगा, लेकिन यहाँ पे पैसा तो बैंक में जमा होगा, यहाँ पे आपको शेयर मार्केट से लाभ होगा, यहाँ पे आपको गुप्त तरीकों से धनार्जन करने का योग बनेगा, गुप्त तरीके से पैसे कमाएंगे। तो मकर लगन मकर राशि वालों के लिए शनि की जो गोचरी स्थिति है श्रेष्ठ परिणाम देने वाली है महाराज, कोई डाउट नहीं है कि आपको सफलता ना मिले। आपके राहु महाराज भी चतुर्थ भाव में चल रहे हैं और वो अश्विनी नक्षत्र में चलेंगे, तो यहाँ पे आपको गुप्त तरीकों से पर्याप्त मात्रा में पैसा मिल रहा है। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए निश्चित रूप से पंच महापुरुष योग में जो सस योग होता है वो 100% क्रिएट होता है। यदि आप कुंभ लगन के हैं तो यह योग आपके लिए बनेगा, कुंभ लगन वालों के लिए गारंटेड योग बनेगा, वृषभ के लिए गारंटेड बनेगा, और आपकी कुंडली में सिंह लगन वालों के लिए गारंटेड नहीं बनेगा, साथ में वृश्चिक वालों के लिए बनेगा, और कुंभ लगन वालों के लिए तो 100% सस नामक योग क्रिएट होगा, कोई डाउट नहीं है। तो ढाई वर्ष भाई आपके गाड़ी हाईवे पे है, बस एक्सीलेटर पे पावर रखिए और स्पीड पकड़ के दौड़ना शुरू करिए। तो यार ढाई वर्ष अगर आप नहीं कमा पाए तो फिर कभी नहीं कमा पाएंगे। तो उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए कमर कस लीजिए, शनि ढाई वर्ष आपको अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाले हैं, श्रेष्ठ फल देने वाले हैं, आपको जमीन से आसमां तक का सफर कराने वाले हैं। अगर आप हैंड टू माउथ हैं तो आपके पास आने वाले समय में गाड़ी होगी, घर होगा, सारी सुविधाएं होंगी। इस समय यत तत् सर्वत जहां हाथ लगाओगे ना सफलता वहीं मिलेगी। अच्छा समय वो नहीं है कि आप जो काम करें उसमें सफल हो जाएं, अच्छा समय ये है कि अच्छे काम आपके पास आएं, अच्छे प्रोजेक्ट ही आपके पास आएं, आपको प्रोजेक्ट ढूंढना ना पड़े, लोग प्रोजेक्ट लेके आ जाएं, भाई ये काम आपके लिए आज में सपोर्ट करो, ये शनि आपके लिए दे रहे हैं। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि वालों के लिए भी समय बेहतर जाएगा, शनि द्वादश में जा रहे हैं लेकिन फल देंगे लाभ का, विदेश से लाभ देंगे, कहाँ से लाभ देंगे विदेश से। तो विदेश में यदि आप रह रहे हैं, विदेश से कोई धंधा पानी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बाहर के लोगों से बिजनेस कर रहे हैं, विदेश का तात्पर्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कनाडा ही नहीं है, आप अपने जिले में रह रहे हैं दूसरे जिले के लोगों से, विदेश का तात्पर्य दूर देश दूर, तो यहाँ पे आपको लाभ देते हुए शनि महाराज दिखाई दे रहे हैं। तो शनि की जो गोचरी स्थिति है निश्चित रूप से अधिकांश राशि अधिकांश लग्नों को लाभ देते हुए दिखाई दे रही है। शनि इस राशि में इस लग्न में 30 साल बाद आ रहे हैं, अतः अब जब शनि आएंगे तो आप उम्र के दूसरे या अंतिम पड़ाव पे होंगे, तो शनि आपको क्या देगा, इसलिए शनि आपको देने के लिए कृत संकल्प है। देखिए समय के साथ चलना सीखिए, का बरसा जब कृषि सुखानी, अगर समय खत्म हो गया, आपकी नौकरी की उम्र है, आप अभी तैयारी नहीं करते, बाद में शनि आके क्या, आप शनि आएगा तो क्या कर लेंगे आप, आपकी उम्र ही निकल जाएगी, 50 साल हो जाएगी, क्या कर लेंगे आप। इसलिए यदि आपकी नौकरी पेशा की उम्र है, शनि आपके लिए शुभ है, तो आप कमर कस लीजिए। शनि मेहनत चाहता है, शनि डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहता है, तो शनि को लग्नानुसार मजबूत करके रखिए, और अगर आपके लग्न में ठीक नहीं है तो उनके मंत्रों का जाप करिए। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर आपको संपर्क करिए, मेरी पूरी टीम के सदस्य और मैं स्वतः आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, आपको उचित परामर्श प्रदान किया जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। जय माता की, जय जगदम्बा।